तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अमेजोन पे लेटर की फुल वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने की। अगर आप लोगों ने अमेजोन पे लेटर को आधार बेस्ड ओटीपी के थ्रू एक्टिवेट करा होगा तो आप लोगों के सामने भी इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे अकाउंट में केवाईसी एक्सपायर बताई जा रही है। तो अगर आपके पास इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है और आप अपने अमेजोन पे लेटर की फुल वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हो तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको अमेजोन पे लेटर की फुल वीडियो केवाईसी किस प्रकार से कंप्लीट करना है इसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है और आप अमेजोन पे लेटर की फुल केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू देखते रहिए। जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप लोग अमेजोन पे लेटर की फुल केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हो तो यहाँ पे एक लिमिट सेट कर दी जाती है आपके अकाउंट में कि आप सालाना इतने की ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे अमेजोन पे लेटर की लिमिट तो 40,000 रुपए की है, लेकिन मैं इसकी टोटल लिमिट यूज नहीं कर सकता, जो कि अगर आपकी केवाईसी एक बार एक्सपायर हो जाती है तो आपको यहाँ पे दोबारा से वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाता है। और अगर आप केवाईसी नहीं करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि करंट यूजेबल क्रेडिट यहाँ पे आपको बताया जाता है। अब जैसा कि मेरी जो अवेलेबल लिमिट इस टाइम की जो लिमिट बची है वो 25,281 रुपए बची हुई है, यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन मैं 25,281 रुपए की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, जो कि यहाँ पे नीचे देख सकते हो बताया जा रहा है करंटली यूजबल अमाउंट, यानी कि जो करंटली यूजबल क्रेडिट है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं 13,845 रुपए की ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। और अगर मैं इतना अमाउंट यूज कर लेता हूँ और इसके बाद भी केवाईसी कंप्लीट नहीं करता हूँ तो मेरा जो अमेजोन पे लेटर की लिमिट है वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगी और फिर मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। और अगर हमें पूरी क्रेडिट लिमिट यूज करना है, यानी कि आप जो है इसकी पूरी क्रेडिट लिमिट यूज करना चाहते हो जितने भी आपके अकाउंट में लिमिट होती है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करना होगा, जो कि जैसे हमारी केवाईसी वेरीफाइड हो जाती है, हमारा अकाउंट वेरीफाइड हो जाता है, उसके बाद ये जो लिमिट लगी हुई है हमारे अकाउंट में, आप इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, ये लिमिट यहाँ से हटा दी जाएगी। तो अभी चलिए हम बात करते हैं कि आखिर इसका क्या केवाईसी प्रोसेस होने वाला है। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए गाइस यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिया जा रहा है, जो कि देख सकते हो कंप्लीट यूआर वीडियो केवाईसी का, तो आपने इस पे क्लिक करना और उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइन यानी कि जो है नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ चुका। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है अपने पिन कार्ड का नंबर एंटर करना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम जो है पिन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने अपने पिन कार्ड का नंबर एंटर करना है और उसके बाद इसकी टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद यहाँ वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। देखो आप लोग जैसे इस पे क्लिक करते हो जस्ट आपने वेट करना है और यहाँ पे आपसे जो है कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा, तो ये जो भी परमिशन आपसे मांग रहा है, माइक कैमरा वगैरह वगैरह जो भी मांग रहा है, ये सबको आपने अलाउ कर देना है। इन सभी ऑप्शनों को सेलेक्ट करने के बाद अलाउ एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है तो आपने इस पे क्लिक करना और उसके बाद फिर से ये जो भी आपसे परमिशन वगैरह मांग रहा है, लोकेशन वगैरह की, इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद गाइस आपने थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है और उसके बाद गाइस आपके सामने इसकी जो है नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले हमें जो है अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा डीजी लॉकर के थ्रू। तो उसके लिए हमें यहाँ पे करना क्या है कि वेरीफाई विद डीजी लॉकर का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देखो कि आपको जो है अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और नीचे जो कैप्चर कोड आ रहा है आप लोगों ने सिंपली इस कैप्चर कोड को यहाँ पे फिलअप करना है और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। चलिए अपन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड कर दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पे ओटीपी को फिलअप कर लेते हैं, जो कि मुझे ओटीपी रिसीव हो चुका है तो मैं ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना और आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो कि आपको जो डिजी लॉकर का आपने जो सिक्योरिटी कोड बना रखा है 6 डिजिट का, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो मैं भी इसको एंटर कर लेता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कुछ आपसे परमिशन वगैरह मांगेगा तो आपने सिंपली इसको अलाउ कर देना। जैसे ही अलाउ करते हो उसके बाद आपने थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, आपकी जो केवाईसी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो रहा है। आपको यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करना ना ही बैक बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा वेट करेंगे, जो कि ये हमें जो है बैक कर रहा है, तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो आधार कार्ड है वो डिजी लॉकर के थ्रू यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट टाइप वगैरह सेलेक्ट कर लेना है कि आप जो है सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। आप जो भी सेलेक्ट करना चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो और नीचे यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो है एनुअल इनकम वगैरह भी फिलअप करके नेक्स्ट पे क्लिक करना और उसके बाद गाइस यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भैया आप जो है रेडी हो वीडियो केवाईसी करने के लिए। तो देखो उसके लिए आपके पास ओरिजिनल पिन कार्ड होना चाहिए, फोटो कॉपी वगैरह नहीं चलेगा, ठीक है। और आपका बैकग्राउंड वगैरह क्लियर होना चाहिए, आपके चेहरे के ऊपर बिल्कुल लाइट वगैरह पड़ना चाहिए, यानी कि आपका चेहरा क्लियर इनको दिखना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। तो आप लोगों ने इन सभी ऑप्शनों को टिक करना और आई एम रेडी का ऑप्शन आ रहा है नीचे, इस पर क्लिक कर देना। अब इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपसे जो है लैंग्वेज पूछा जा रहा है, तो लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करके नीचे देख सकते हो स्टार्ट वीडियो कॉल का एक ऑप्शन आ रहा है, यानी कि स्टार्ट वीडियो केवाईसी का ये जो ऑप्शन आ रहा है आपने सिंपली इस पे क्लिक करना और आप जैसे इस पे क्लिक करते हो जस्ट आपने थोड़ा सा वेट करना है। ये रिडायरेक्ट करेगा यानी कि कनेक्ट करेगा आपको एजेंट से। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी एजेंट कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है।
देखो इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो यहाँ का जो कैमरा है वो बंद, यानी कि जो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ वो मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा, क्या क्या पूछा गया, क्या क्या देखा गया, सिग्नेचर करवाए गए या फिर नहीं करवाए गए, जो भी होता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो यहाँ की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जैसे ही एजेंट कनेक्ट होगा उसके बाद वो डिसकनेक्ट हो जाएगी, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है अभी तक तो यहाँ पे आ रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो है 15-20 सेकंड होते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिसकनेक्ट हो जाती है। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पे KYC कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरे से क्या क्या पूछा गया, क्या क्या देखा गया और किस प्रकार से मेरी जो वीडियो KYC है वो कंप्लीट करी गई है। तो अभी फाइनली कि मेरी जो वीडियो कॉल है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जो वीडियो KYC है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास इस प्रकार का नोटिफिकेशन आ चुका, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि भैया 4 घंटे के अंदर आपकी जो KYC है वो अपडेट कर दी जाएगी। तो देखो यहाँ पे हमारे सामने जो है वीडियो KYC करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन ये लोग नहीं करते, बस आपका नाम पूछते हैं, एड्रेस वगैरह वेरीफाई करते हैं, एम्प्लॉयमेंट टाइप वेरीफाइड करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके पैन कार्ड का फोटो ये लोग कैप्चर करते हैं, यानी कि आपका जो है फिजिकल पैन कार्ड यहाँ पे देखा जाता है, उसकी फोटो कैप्चर करी जाती है और आपकी भी एक सेल्फी कैप्चर करी जाती है लाइव वीडियो KYC करने के दौरान। तो अगर आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड है और बस आपकी एक सेल्फी और पैन कार्ड को देखा जाता है, उसके बाद कुछ नहीं, छोटी मोटी डिटेल आपसे पूछी जाती है और उसके बाद आपकी जो KYC हो कंप्लीट हो जाती है। देखो आधार कार्ड का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड आपने ऑलरेडी डिजी लॉकर के थ्रू यहाँ पे वेरीफाई कर रखा है। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे क्या कि कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम आ चुके हैं अमेजोन पे और यहाँ पे देख सकते हो कि यूर KYC इस अंडर रिव्यू, यानी कि अभी जो है हमारे डॉक्यूमेंट अंडर रिव्यू में यहाँ पे हमसे बोला गया है कि जैसे ही आपकी जो KYC हो कंप्लीट हो जाती है 4 घंटे के अंदर अपडेट कर दी जाएगी और उसके बाद आपके अकाउंट में जो भी लिमिट वगैरह लगी है, ट्रांजेक्शन लिमिट वगैरह, वो सारी की सारी हटा दी जाएगी। तो अभी यहाँ पे हम करते क्या कि हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो है सबमिट हो चुके हैं, वीडियो KYC कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि कितनी देर में ये जो हमारी KYC है वो अपडेट कर दी जाती है। तो फाइनली इस 15 से 20 मिनट के अंदर मेरी जो KYC है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि यूआर KYC इज कंप्लीट। और यहाँ पे जो पहले ट्रांजेक्शन लिमिट वगैरह आ रही थी ना कि यूजबल क्रेडिट इतना है, आप इतने की ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो उसको भी यहाँ पे हटा दिया गया। और इसके बाद चलिए हम इसको यहाँ से बैक करके देखते हैं इसके होम पेज पे कि होम पेज पे हमारी जो KYC है वो अपडेट हुई या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको बैक करा और बैक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि अमेजोन पे लेटर का ऑप्शन बताया जा रहा है, जैसे कि पहले यहाँ पे बताया जा रहा था KYC एक्सपायर, लेकिन अभी देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो है लिमिट वगैरह शो करने लगी है। और इसके बाद हम बात करते हैं इसके यूजेस की, यानी कि बिल पेमेंट वगैरह रिचार्ज वगैरह करने की। तो हम सिंपली रिचार्ज पे क्लिक करके यहाँ पे हम ये भी चेक कर लेते हैं कि KYC कंप्लीट होने के बाद क्या इंस्टेंट हम इसकी लिमिट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम जो है एक छोटा मोटा कोई रिचार्ज करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे प्लान वगैरह जो भी है वो सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, चलिए पे नाउ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अमेजोन पे लेटर की जो लिमिट है उसको यूज करने का ऑप्शन आ रहा है। हालांकि ये जो है लिमिट यूज करने का ऑप्शन पहले भी आ रहा था, लेकिन वहाँ पे एक जो है लिमिट सेट करी गई थी, अगर उतने की हम ट्रांजेक्शन कर लेते तो उसके बाद हम जो है अमेजोन पे लेटर की लिमिट फिर दोबारा यूज नहीं कर पाते। तो यहाँ पे KYC कंप्लीट होने का यही फायदा है कि अब जो है अपने वीडियो कॉल के थ्रू अपनी KYC कंप्लीट कर ली, तो दोबारा आपको KYC कंप्लीट करना नहीं पड़ेगा और आपके अकाउंट में कभी भी ट्रांजेक्शन लिमिट वगैरह नहीं लगाई जाएगी, आप अनलिमिटेड इसकी लिमिट वगैरह को यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आई होप गाइस कि आपको थोड़ी बहुत ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस थोड़ी बहुत ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।